वाले हैं सीमा मायती इनसे, जो महाराष्ट्र सुपर मॉडल इसमें मिसेस कैटेगरी की थर्ड रनर अप है। और आपको सवाल पूछने से पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। आप थर्ड आई थी मिसेस कैटेगरी में, राइट? एक्सपेक्ट किया था, क्या थी रिएक्शन आपका? बहुत, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया था पहले। अरे 15 वाले मैं ही हूँ ना, मैं देख रही थी मैं 15 हूँ ना। सो नाइस। उस टाइम जो था, नहीं मैं तो एक्सपेक्ट नहीं की थी। मॉडलिंग का आप कब से कर रहे हैं? स्पेसिफिकली मैं, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम? हाँ, प्रिंट सूट छोड़ के ये मेरा मॉडलिंग की फर्स्ट टाइम है जो मैं जस्ट ट्राई करने के लिए आ गई हूँ। ये बहुत ही, मतलब आपके लिए सरप्राइजिंग चीज होगी, राइट? सरप्राइजिंग, हाँ। और आपको 21 ईयर की डॉटर भी है, राइट? यस यस। तो आप इतना लेट मॉडलिंग का भी करने के सोच रहे हो, तो क्या आप बोलोगे उसके बारे में? मैं सोचती हूँ एज कोई मैटर नहीं करती, राइट? वो मतलब आप दिखाई दिया है। आप जब भी से स्टार्ट करोगे तब भी से कुछ नया, बस राइट आपने नया कुछ करने का आप सोच रहे हो और आगे भी आप सोचते रहोगे। ऑब्वियसली मैं तो चाहूंगी भगवान अभी कुछ नया चमत्कार करे, कुछ कर पाऊँ इस इंडस्ट्री में। जी, आप मैरिड लाइफ संभाल के भी अलग अलग चीजें करने की आप कोशिश कर रहे हो, वो बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग होने वाला है जो बाकी के हाउसवाइफ हैं उनके लिए। फैमिली सपोर्ट के बारे में क्या कहोगे, मतलब फैमिली से सपोर्ट कैसा रहा है पहले से और मॉडलिंग के लिए आप जा रहे हो तो क्या रिएक्शन थी उनकी? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, मतलब तुम अपने ये पे करोगे तो करो, मतलब ऐसा है। हाँ, उनका मतलब तुम सब कुछ मैनेज करके कर पाओगे तो ठीक है, इट्स ओके, हमें कुछ नहीं बोलना है। ओके, ऐसा है, मतलब मैनेज करना है, मैनेज करके करो, ऑब्वियसली मैनेज तो करना ही होता है। अब मतलब आपका 20s में जैसा होता है ना एक्साइटमेंट, हाँ, वैसा आप में है अभी भी? ऑब्वियसली कुट कुट के भरा है। और मैं करती भी हूँ। एक्चुअली मेरे बेटी के जो फ्रेंड्स हैं ना, वो मेरे से ज़्यादा मतलब क्लोज है। उन लोग बहुत सब कुछ शेयर करते हैं अपने लाइफ में, मतलब मैं उन लोगों से चुल मिल जाती हूँ। सपोर्ट तो है और आप अलग अलग चीजें करते ही रहते हो, यू नो एक्सपेरिमेंट बोल सकते हो आपने, तो आप में वो एक्साइटमेंट है। तो आप फ्यूचर प्लान्स के बारे में क्या कहोगे आपके? मतलब मैं तो एक्टिंग फील्ड में ट्राई कर ही रही हूँ थोड़ा सा कुछ अच्छा करने की, बट हाँ ऑब्वियसली अभी तो मॉडलिंग के दुनिया जुड़ गए, उसके साथ और कुछ बड़ा सा कुछ करने की बहुत ज़्यादा मन है, मतलब कुछ बड़ा सा हो अभी से बहुत कुछ। मतलब सब पहचाने, ये बहुत अच्छी बात है आपकी कि आप ऑलवेज इतने एनर्जेटिक रहते हो, एज मैटर नहीं करता, ये बहुत लोगों के लिए इंस्पायरिंग होने वाला है जैसे मैंने पहले भी कहा। मेरा आखिरी सवाल ये था आपसे कि आप एडवाइस क्या देना चाहोगे जो हाउसवाइफ है और वो भी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, एज कोई भी हो लेकिन और उनमें उम्मीद है कुछ करने की, तो उनको आप क्या कहोगे? मैं यही कहूँगी जे सबको कुछ ना कुछ, देखिए सबके अंदर कुछ ना कुछ तो मतलब रहता ही है जो आगे नहीं आ पाता है, क्योंकि घर के कंडीशन में भी वो जो भी है नहीं आ पाता है लोगों के सामने, बट वो सबको खुद को जागृत होना चाहिए हमारे अंदर क्या है, वो हम करना चाहते हैं तो वो किए, मतलब करे, सब भी करे। मैं मेरे ख्याल से हर लड़कियों को, मतलब हर लेडी को, हर नारी को कुछ ना कुछ करना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए खुद के लिए, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं कुछ करोगे ना आपको कोई बोलने वाले नहीं रहेंगे कि आप करो आपका ये अच्छा है, कोई नहीं है इस दुनिया में, कोई नहीं है जो अपने मम्मी पापा भी नहीं करते। तुम जब तक नहीं बोलोगे, जैसे बच्चे जब जितना रोते हैं तब बोल समझ में आता है ना, हाँ उनका अरे भूख लगे, मतलब ऐसा ही हो जाता है। जब मुझे चाहिए, मुझे कुछ करना ही है लाइफ में, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे लाइफ में खड़े होना है, अपना कुछ पहचान बनाना है, सबसे बड़ी बात है पैसे से भी ज़्यादा मैटर है पहचान बनाना,
हमेशा किसी के मिसेस बन के मुझे तो कभी पसंद नहीं था, मतलब हटे ही मुझे छोटे से ही पसंद नहीं था। मैं हमेशा ना देखती हूँ क्योंकि मेरे मम्मी पापा कभी इस बारे में सपोर्ट नहीं किए, कभी नहीं, तो मैं ना देखती थी पेपर में कहाँ पे फ्री में एक्टिंग क्लास फैसल कुछ, मतलब क्योंकि कुछ मिल जाए मैं सीख पाऊँ, मुझे पता है मुझे जाने नहीं देंगे कभी। बट हाँ, छोटे से मेरा पापा को डांस सिंगिंग में बहुत शौक था तो उन्होंने मुझे सिखाया वो चीज़ दोनों ही। बट हाँ, एक्टिंग फैशन की दुनिया में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट हाँ, पापा को अभी सुन के बहुत खुशी हुई है ये बात। बट हाँ, सबको आगे आना चाहिए, बोलना चाहिए मुझे भी कुछ करना है, जो भी हो जिसके अंदर जो भी है वो निकालना चाहिए। और मुझे अभी एक बात याद आ रहा है, बंगाली में एक कहावत है, मैं बंगाली तो बंगाली में एक कहावत है, संसार सुखे है रमणीर गुणे, मतलब इसका हर घर पे ना एक जो नारी होता है ना वो ऐसे कुछ करते हैं ना उनका गुण में ही ना पूरा संसार इतना अच्छा, और उनको जो रिस्पेक्ट देते, उनको जो सम्मान देते, वो संसार क्या बोलूँ स्वर्ग बन जाता है मेरे ख्याल से। बहुत अच्छा मैसेज दिया है आपने। बस उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए, उनके बाद का कदर देना चाहिए, मुझे इतना ही फील हो जाए। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात। हाँ, मतलब वो भी जब कुछ बोल रहे हैं उनका भी बात रखना चाहिए। हाँ, संसार में एक कुछ बोल रहे तो इसका भी बात का वो वैल्यू है, बस उतना कोई कर देना वो सर्व बन जाता है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू गायत्री, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने बहुत जेन्युइनली बात की हमसे उसके बारे में। मुझे मेरा जो फीलिंग्स है वही मैं बताई, बस और कुछ नहीं। एंड ऑल द बेस्ट।